अर्ज किया है, जिसको देखकर कपट भी शर्मा जाए, जिसको देखकर कपट भी शर्मा जाए उसको पश्चिम कहते हैं। जिसको देखकर कंगाली भी अपने आप को अमीर समझे उस भूखे नंगे मुल्क को पाकिस्तान कहा जाता है। जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था ही गधे चला रहे हो तो ये तस्करा उन लोगों पे बिल्कुल फिट बैठता है। पाकिस्तान में दिन ब दिन गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, रियल गधों की बात कर रहा हूँ, डोंकी की बात कर रहा हूँ। मुल्क में और किसी चीज की तादाद बढ़े न बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1,00,000 का इजाफा है। वीडियो देखकर बोझा उठाने वाला कम दिमाग का जानवर समझे क्या? नहीं, मैं पाकिस्तान के टोटल जीडीपी में लीड रोल निभाता हूँ। पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा हिस्सा गधों का ही है। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले, ये उस हस्ती के खानदान वाले। आर यू कॉमेडी? इन पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि गधे इनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ना कि ये हलवा पकाओ। खबर ये है कि मुल्क में 1,00,000 गधे बढ़ गए हैं, और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। तादाद 57,00,000 से बढ़कर 58,00,000 हो गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गधों का बहुत बड़ा योगदान है। एक साल के दौरान मुल्क में 1,00,000 गधों का इजाफा हुआ है। खोते जो है ना पाकिस्तान में, खोते इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा। पता, एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है और गधों की तादाद में गलबन लाखों का या हजारों में लाखों का ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने फिगर्स दिए हैं उसमें जो चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान में और किसी चीज़ में इजाफा उसने किया है या नहीं किया, गधों की तादाद में इजाफा हो गया। पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ आवाम है उसमें 24 करोड़ 50 लाख तो गधे ही है, लेकिन दो टांगों वाले, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लेकिन ये जो चार टांगे वाले गधे ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को दे रहे बूस्ट। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? वाह, और लबालब बड़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है गधा को। उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे ही गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट ईयर चाइना के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था कि हमको गधे चाहिए क्योंकि चाइनीज गधे खाते हैं और पाकिस्तानी गधे खाने में उनको स्वाद भी ज्यादा आ रहा है। तो पाकिस्तान में दिन बर दिन गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये तादाद इमरान खान के समय भी बड़ी थी, जिसका बिलावल भुट्टो मजाक बना रहा था। आज बिलावल भुट्टो के राज में गधों की तादाद बढ़ गई है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मतलब मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। सही खेल गया बहन। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और ये अभी भी पाषाण युग की तरफ जा रहे हैं। ये आज भी 1400 साल पहले ही पड़े हुए हैं जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। जैसे हम कहते हैं ना कि टका बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहे, तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। दुनिया मंगल पे जा रही है, चांद पे जा रही है, और आज भी ये गधे बढ़ाने में लगे हुए। क्यों नहीं? वाह पाकिस्तानियों, वाह, तुम्हारा कोई सानी नहीं भाई, तुम्हारी कोई टक्कर नहीं। फिर अपने आप को पूरी दुनिया की सबसे आला तरीन, सबसे सुपीरियर कौम बोलते हैं, ये सुपीरियर कौम है बताओ। हाय हाय, अबे लानत है तुम लोग पे, लानत। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। वी हैव गेन्ड जी, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए ने पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये कमाल की चीज़ है और होना चाहिए ऐसी हुकूमतों के साथ, ऐसे ही इसी किस्म का इजाफा मतवक्को था। 7,000 अरब रुपए चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, होंगे नहीं, ये सब यहाँ वहाँ से मांगे तांगे जाएंगे। ये अभी मैं अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। नहीं, पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते भी है ना पाकिस्तान, और ये भी बताए ना घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना।
समी साहब जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते तो गधे माइंड ना करते तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है 57 लाख। गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1-0 कम हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि 0 कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है, और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता यार। मजे की बात यह है, सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था, तो ये आप और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल इसी खबर पे मेजर साहब ने भी बड़े चस्कारे लिए इन पाकिस्तानियों के। इन्होंने एक किस्म के SEZ बनाए गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है, और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा? उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे, इंसान कम दिख रहे हैं गधे ज्यादा दिख रहे हैं। चलो तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ, इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो, तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है, वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे IMF के, गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम IMF है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है, अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा, इमरान खान ने भी बोला था एक मुर्गी पालो उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी, इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा, फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे, ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा शहबाज शरीफ ने बोला नहीं मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस, उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इनकरेज करा जा रहा है, आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है, तुम एक काम करो 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब, तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई, गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी है, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में, और अब इसको बहुत जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। एक कमाल की बात मैं और बताता हूँ, इन पाकिस्तानियों को गधे पैसे कमा के दे रहे हैं और ये पाकिस्तानी गधों पे FIR भी करवा रहे हैं। जुआ खेलना बुरी आदत है, लेकिन शायद ये बात इस गधे को मालूम नहीं थी। हम गधे? दरअसल पाकिस्तान में पुलिस ने ऐसे ही एक गधे को गिरफ्तार किया है, आरोप है कि ये गधा जमकर जुआ खेलता है। इवन पाकिस्तान में गधों की रेस भी होती है, गधों की शादियां भी होती है, दहेज भी दिए जाते हैं, और इनके पत्रकार तो गधों पे बैठकर रिपोर्टिंग भी करते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से हटाकर गधाइस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान में गधों की तादाद और बढ़ेगी, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो इन पाकिस्तानी गधों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी इन पाकिस्तानियों को गधापन निकालते जाइए, और लाइक टारगेट रख लेते 10,000, करवाते नहीं हो आजकल, आखिर क्यों? लेकिन मैं भी डिहिट हूँ, अड़ा रहूंगा, 10 से कम चाहिए नहीं। ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।